दोस्तों भारतीय टीम का ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज जीतने के साथ ही आईसीसी ने अनाउंस कर दिया है न्यू टेस्ट रैंकिंग। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं आईसीसी के न्यू टेस्ट रैंकिंग के बारे में, जो कि इस वीडियो में आपको बताएंगे टॉप 10 टीम्स, टॉप 10 बैट्समैन, टॉप 10 बॉलर्स और टॉप 10 ऑलराउंडर्स के बारे में कि वो कौन कौन से खिलाड़ी शामिल हुए हैं इस बार नई टेस्ट रैंकिंग में। दोस्तों इस बार टेस्ट रैंकिंग में काफी कुछ बदलाव हुआ है, जहां दूसरी तरफ पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच भी टेस्ट सीरीज खेली जा रही है। तो शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी वीडियो देखते रहें, पूरी जानकारी मिलेगी इस वीडियो में। दोस्तों बिना देरी के भी चलिए बात कर लेते हैं आईसीसी की नई टेस्ट रैंकिंग के हिसाब से टॉप 10 टीम्स के बारे में। तो कुछ इस तरह से है आईसीसी की न्यू टेस्ट रैंकिंग, जो कि नंबर एक पर इंडिया 116 रेटिंग पॉइंट के साथ, वहीं नंबर दो पर इंग्लैंड 108 रेटिंग के साथ, नंबर तीन पर है न्यूजीलैंड 107 रेटिंग के साथ, जबकि नंबर चार पर है साउथ अफ्रीका 106 रेटिंग के साथ, तो वहीं नंबर पांच पर ऑस्ट्रेलिया पहुंच गई है जो कि 101 रेटिंग के साथ, जबकि नंबर छह पर है श्रीलंका की टीम 93 रेटिंग के साथ, तो वहीं नंबर सात पर है पाकिस्तान की टीम 92 रेटिंग के साथ, जबकि नंबर आठ पर है वेस्ट इंडीज 70 रेटिंग के साथ, तो वहीं नंबर नौ पर है बांग्लादेश 69 रेटिंग के साथ, जबकि नंबर दस पर है जिम्बाब्वे 13 रेटिंग के साथ। दोस्तों ये रही आईसीसी की न्यू टेस्ट रैंकिंग के हिसाब से टॉप 10 टीम्स। अब अगर हम बात करें टॉप 10 बैट्समैन के बारे में, तो कुछ इस तरह से है टॉप 10 बैट्समैनों की लिस्ट, जो कि नंबर एक पर विराट कोहली 931 रेटिंग के साथ, नंबर दो पर केन विलियमसन 897 रेटिंग के साथ, नंबर तीन पर स्टू स्मिथ 883 रेटिंग के साथ, वही नंबर चार पर है जितेंद्र पुजारा 834 रेटिंग के साथ, तो वही नंबर पांच पर है जो रूट 807 रेटिंग के साथ, जबकि नंबर छह पर है डेविड वार्नर 780 रेटिंग के साथ, जबकि नंबर सात पर है हेनरी निकोलस 763 रेटिंग के साथ, तो वही नंबर आठ पर है दीन एलगर 728 रेटिंग के साथ, जबकि नंबर नौ पर है दिमुत करुणा रत्ने 715 रेटिंग के साथ, जबकि नंबर 10 पर है अजहर अली 697 रेटिंग के साथ। दोस्तों ये रही टॉप 10 बैट्समैनों की लिस्ट। दोस्तों अगर हम बात करें इसके अलावा, तो ऋषभ पंत 38वें पॉइंट पर आ गए हैं, जबकि अजिंक्य रहाणे 19वें पॉइंट पर हैं, तो वहीं बाबर आजम पाकिस्तान के 27वें नंबर पर आ गए हैं। अब अगर हम बात करें टॉप 10 बॉलर्स के बारे में, तो कुछ इस तरह से है गेंदबाजों की लिस्ट, जो कि नंबर एक पर कैगिसो रबादा साउथ अफ्रीका के, नंबर दो पर जेम्स एंडरसन, नंबर तीन पर पैट कमिंस, नंबर चार पर वैर्नर फिलेंडर, नंबर पांच पर मोहम्मद अब्बास, नंबर छह पर जडेजा, नंबर सात पर ट्रेंट बोल्ट, नंबर आठ पर रविचंद्र अश्विन, नंबर नौ पर टीम साउथी, तो वहीं नंबर दस पर है जेसन होल्डर। दोस्तों ये रहा टॉप 10 गेंदबाजों की लिस्ट, जो कि गेंदबाजी में यासिर शाह बराबर नंबर पर पहुंच गए हैं, तो वहीं टीम इंडिया के मोहम्मद शमी जो कि 23वें स्थान पर पहुंच गए हैं, जबकि ईशांत शर्मा 27वें स्थान पर हैं। अब अगर हम बात करें टॉप 10 ऑलराउंडर्स के बारे में, तो कुछ इस तरह से है ऑलराउंडर की लिस्ट, जो कि नंबर एक पर साकिब उल हसन, नंबर दो पर जसन होल्डर, नंबर तीन पर रविंद्र जडेजा, नंबर चार पर वैर्नर फिलेंडर, नंबर पांच पर बेन स्टोक, नंबर छह पर रविचंद्र अश्विन, नंबर सात पर पैट कमिंस, नंबर आठ पर मोइन अली, नंबर नौ पर मिचेल स्टार्क, नंबर दस पर क्रिस वॉक्स। दोस्तों ये रही आईसीसी की न्यू टेस्ट रैंकिंग के हिसाब से टॉप 10 ऑलराउंडरों की लिस्ट। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने विचार, अपने राय जरूर दें।